दोस्तों, अक्सर हम लोग हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले दर्द को खराब मानते हैं, पर हकीकत में देखा जाए तो ये दर्द हमारा हमदर्द है, क्योंकि दर्द से ही हमें कई आंतरिक बीमारियों का पता चलता है। पैर में मोच आ जाए तो दर्द को उत्पन्न होना, तो दर्द की वजह से हम जानते हैं कि हमारे पैर में मोच आ गई है। कोई हड्डी टूट जाए आंतरिक अचानक से तो दर्द उत्पन्न हो तो हमें पता चल जाता है कि शरीर में हमारे ये प्रॉब्लम आ गई है। हमारे शरीर के अगर किडनी की बात करें तो किडनी में जो उत्पन्न होता है दर्द, खास तौर से स्टोन की वजह से दर्द उत्पन्न होता है, तो किडनी की क्रियाएं प्रभावित होती हैं। आप सब तो जानते हैं कि किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। किडनी की वजह से ही हमारे शरीर का जो रक्त है वो छनता है, तो छनने के बाद रक्त जो है हमारे शरीर में फिर से दौड़ता है और जो खराब रक्त है यूरिन के रूप से बाहर निकल जाता है। तो कई कुल मिला के यकृत में अगर दर्द होता है तो हम सावधान हो जाते हैं कि यहाँ दर्द है, हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर हमें बताता है कि ये प्रॉब्लम है आपके शरीर में। तो कुल मिला के दर्द जब उत्पन्न होता है हमारे शरीर में तो कई बीमारियों का हमें पता चलता है, और उन बीमारियों का पता चलने पर हम उसका समय रहते इलाज करवा लेते हैं। अगर आप सोचिए कि अगर दर्द न उत्पन्न हो, किडनी में स्टोन भरता रहे, हमारे हार्ट में प्रॉब्लम हो और लीवर में प्रॉब्लम हो, तो अगर दर्द न उत्पन्न हो तो हम उसका सही से इलाज नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि समय रहते हमें उस बीमारी का पता ही नहीं चलेगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये जो दर्द है हमारा एक पक्का साथी है, हमदर्द है, और दर्द हमारे शरीर का कह सकते हैं कि सूचक, जो बीमारियां उत्पन्न हो रही है उसका सूचक है, यानी कि इंडिकेटर है। तो दर्द से आप मायूस न होइए, दर्द अगर उत्पन्न हो रहा है तो आप सचेत हो जाइए, क्योंकि दर्द से हमें कई वास्तविक बीमारियों का पता चलता है। जय हिंद, जय भारत।